ड्राइविंग साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। हमारी चुनाव यात्रा यूपी के अलग अलग हिस्सों में जा रही है और आज हमारी जो चुनाव यात्रा है वो हापुड़ में है। और हापुड़ शहर में जब आप एंटर करते हैं तो शहर को बीचों बीच जो है वो अंबेडकर चौराहा है और ये प्रतिमा आप जो पीछे देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, बहुत ही शानदार प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरती से इस मूर्ति को बनाया गया है और एक विशालकाय मूर्ति है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, जो उनका पूरा अंदाज है कि सामने उंगली करके और हाथ में संविधान लिए हुए वो जो खड़े हैं, वो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। और ये उसी स्टाइल में बनी है जिस तरह से बहन जी के शासनकाल में लखनऊ के और नोएडा के पार्क बनाए गए और वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित किया गया। उसी स्थापत्य कला के साथ में ये अम्बेडकर चौराहे पर ये मूर्ति बनाई गई है। और अम्बेडकर चौराहा जो है, अगर मैं आपको बताऊँ तो वो हापुड़ में ये गुरुद्वारा तिराहा के नाम से ये मशहूर है और अंबेडकर चौक के नाम से भी जानते हैं इस चीज़ को। इस तरफ गुरुद्वारा है और फिर यहाँ से बुलंदशहर के लिए रास्ता चला जाता है और एक तरफ मेरठ के लिए रास्ता चला जाता है। तो शहर के बीचों बीच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है और इस प्रतिमा को जो यहाँ पर लगाया गया है वो बहन जी के शासनकाल में लगाया गया था। और इस तरफ आप देखेंगे तो बहन जी का पोस्टर भी लगा हुआ है और मिशन 2022 का जो सपना है बहन जी का कि उनके समर्थकों का कि पांचवी बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, तो वो भी यहाँ पर नजर आता है। और आप देखेंगे तो उनके तमाम जो नेता हैं वो पोस्टर पर लगे हुए हैं और ये यहाँ पर जो है मूर्ति चौक पे आप इसको देखेंगे तो आपको वो निर्माण जो भव्य निर्माण है उसकी याद आती है। और इससे साल 2011-12 में जब बहन कुमारी मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी तो उस समय यहाँ पर इसको लगाया गया था और धर्मपाल सिंह जो विधायक थे हापुड़ से बीएसपी के टिकट पर, उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। ये यहाँ पर बताया जाता है कि पहले बहुत छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी और उसके बाद बहन जी के शासनकाल में ये विशालकाय मूर्ति लगाई गई और इस अम्बेडकरवादी जो विरासत है उसको स्थापित करने का काम यहाँ पर हुआ। हापुड़ वो जिला है जिसका नाम बहन जी ने अपने शासनकाल में पंचशील नगर किया था। पंचशील यानी जो बुद्ध का जो संदेश है, उनके जो संदेशों में पंचशील का जो महत्व है और जो उनकी दम ध्वज होती है उसे भी पंचशील कहा जाता है, उसके नाम पर इसे पंचशील नगर नाम दिया गया था। हापुड़ का नोटिफाई हुआ था, बाकायदा नाम बदल दिया गया था, लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार यहाँ पर आई 2012 के चुनाव में तो उसके बाद पंचशील नगर का नाम बदल के फिर से हापुड़ कर दिया गया। तो ये काम हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में और हापुड़ का नाम जो है वो पंचशील नगर से बदल कर वापस हापुड़ कर दिया गया। तो ये विरासत जो है कि अपने महापुरुषों के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर और संत कबीर के नाम पर, रविदास नगर और इस तरह की जो शहरों के नामकरण बहन जी ने किए थे वो अखिलेश यादव की सरकार ने दोबारा, जब उनकी सरकार 2012 में आई थी यूपी में, तो उन्होंने नाम बदल दिए थे। तो ये आपस में चला उनका एक तरीके से बदले की भावना कहें या फिर अपने भोजन प्रतीकों के प्रति जो उनका सम्मान है वो ना हो उसकी, उस नज़रिए से अगर हम देखें तो ये नाम बदलने की कार्रवाई हुई। ज्योतिबा फुले नगर का नाम भी बदल दिया गया, जबकि ज्योतिबा फुले खुद जो है ओबीसी समाज से आते हैं और भारत के राष्ट्रपिता हम उनको कहते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता हम उनको कहते हैं, तो उनके प्रति सम्मान में कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार में ये लापरवाही हुई। लेकिन उसके बाद में हमने 2019 का लोकसभा चुनाव देखा जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ और उन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, हालांकि ज्यादा कमाल नहीं हुआ और वो गठबंधन कुछ महीनों बाद ही टूट गया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी अलग अलग चुनाव लड़े जा रहे हैं और अखिलेश यादव जो है वो आरएलडी के साथ में, राजभर के साथ में,
कई दलों के साथ में जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप पीछे पोस्टर देखेंगे तो अखिलेश यादव का और जयंत चौधरी का, और उनकी जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं रश्मि चौधरी एडवोकेट, ये प्रत्याशी हैं या फिर अपने आप से इन्होंने नेता के तौर पर पोस्टर लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिमा हरित के भी पोस्टर लगे हुए हैं। अभी शायद प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है सीट पर, लेकिन नेता अपने अपने पोस्टर लगा दें। तो अखिलेश यादव अभी जो है आरएलडी के साथ में, राजभर की जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके साथ में, और भी कई दल जो हैं उनके साथ में मिलके वो चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बहन जी का इधर आप अगर पोस्टर देखेंगे तो वो अकेले चुनावी मैदान में है और अकेले ही चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। तो खुद मिशन 2022 का जो सपना लेके बीएसपी चली है उसके साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये 2022 में क्या होता है, क्या परिणाम निकलते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो प्रतीक है, सरकार आनी जानी है, सरकार आती है चली जाती है, लेकिन जो ये इस तरह के प्रतीक बनते हैं ये प्रतीक हमेशा रहते हैं। और अपने महापुरुषों का सम्मान जो बसपा के शासनकाल में हुआ उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती है। लोहिया पार्क बनाया अखिलेश सरकार में, उसका भी तारीफ होती है, वो भी बहुत अच्छे पार्क बने हैं। और दैनिक के द्वारा जो ये निर्माण किए गए हैं वो ऐसे ऐतिहासिक निर्माण है कि कई सालों तक, सदियों तक वो निर्माण रहने वाले हैं। तो ये मूर्ति देखकर हम लोगों का मन हुआ कि बाबा साहब के यहाँ पर आके हम ये आपको बताएं कि इस मूर्ति का क्या महत्व है और क्या इस हापुड़ जिले को लेकर जो राजनीति है वो क्या है। अब बहन जी की सरकार अगर आती है तो क्या वो दोबारा इसका नाम बदल कर पंचशील नगर कर देंगी, क्योंकि आप देखें कि योगी आदित्यनाथ लगातार नाम बदल रहे हैं। कभी वो अलीगढ़ को हरिगढ़, प्रयागराज कर दिया इलाहाबाद को, अभी आजमगढ़ को आर्यमगढ़ की वो थ्योरी ले आए हैं। तो इस तरह से नाम बदलने का काम उनके दौर में भी है। वो अपनी जो उनकी सनातनी वैदिक हिंदूवादी संस्कृति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जब बहन जी आई थी तो बहुजनवादी विचारकों को, बहुजनवादी महानायक नायिकाओं के नाम पर ये विरासत को आगे बढ़ाया था, वो काम उन्होंने किया था। अखिलेश यादव ने उनके नाम बदल दिए, लेकिन अब जब 2022 में सरकार किसकी बनती है, क्या होता है, वो बहुत ही दिलचस्प है। ये बाबा साहब की प्रतिमा, लेकिन आपको ज़रूर, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, अम्बेडकर के आप संविधान को मानते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो यहाँ आकर आपको निश्चित तौर पर खुशी होगी कि बाबा साहब यहाँ शान से खड़े हुए हैं। आपका इस मसले पर क्या कहना है, जो बातें मैंने बताई उसके अलावा अगर आप कुछ जानकारी रखते हैं तो कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम सुमित चौहान है साथियों, और इस वीडियो स्टोरी को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।